हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट कैमोमिला, वन ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन कैमोमिला। ये भी जो है चाइल्ड रेमेडी है, स्पेशली मतलब दी जाती है बड़ों में भी, लेकिन स्पेशली जो है मेनली चाइल्ड्स में दी जाती है। इसका कॉमन नेम है मैट्रिकेरिया कैमोमिला। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है मैट्रिकेरिया कैमोमिला का प्लांट है। इसके जो है फ्लावर हेड्स यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन को बनाने में। जो आप देख रहे हैं ये फ्लावर है, ये फ्लावर का जो हेड है इसको यूज़ किया जाएगा मेडिसिन बनाने में। फ्लावर हेड आप इस इमेज में अच्छे से देख सकते हैं, क्लियरली दिख रहा है। तो यही फ्लावर हेड यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन को बनाने में। तो बात करते हैं अब इसकी फैमिली की। इसकी फैमिली है कंपोजिट फैमिली, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सिनामे की। कंपोजिट फैमिली में और कौन सी मेडिसिन आती हैं, तो सिना भी जो है कंपोजिट फैमिली के अंडर आती है। कैलेंड्यूला हो गई, अर्निका हो गई, जितनी भी इंजरी वाली मेडिसिन है वो कैलेंड इसमें आती है कंपोजिट फैमिली में। अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से इसको समझाया हुआ है। इसके प्रूवर भी डॉक्टर हेनिमैन सर है। मियाज्म जो है, जिस मियाज्म के अराउंड ये वर्क करता है वो है सोरा मियाज्म। और ये मैं पहले बता चुकी कि ये मेनली चाइल्ड रेमेडी है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है फिजिकल मेकअप, देखने में वो पेशेंट और या फिर वो चाइल्ड कैसा दिखता है। तो ये पर्सन स्पेशली चिल्ड्रन में दी जाती है। चिल्ड्रन में मेनली जो है जिनके लाइट ब्राउन हेयर्स होंगे, नर्वस टेम्परामेंट होगा, नर्वस और एक्साइटेबल टेम्परामेंट, मतलब छोटी छोटी बातों पर नर्वस हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, कभी नर्वस हो जाएंगे। ओवर सेंसिटिव फ्रॉम यूज़ और अब्यूज़ ऑफ कॉफ़ी और नारकोटिक्स, मतलब कभी उन्होंने कॉफ़ी या किसी भी ड्रग्स या नारकोटिक्स की वजह से जो भी उनको दिक्कतें आई होंगी उसकी वजह से जो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं लोग, उसमें ये अच्छा वर्क करती है। चिल्ड्रंस न्यू बॉर्न एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन, चिल्ड्रंस में भी मेनली जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं इन्फेंट्स, उसमें ये अच्छा काम करती है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन, जब उनके टीथ निकल रहे होते हैं, मिल्क टीथ जब आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे अच्छा वर्क करती है, जब कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो। अब बात करते हैं मेंटल जनरल्स की। फर्स्ट इसको मेंटल जनरल्स में आ जाते हैं कि वो चिल्ड्रन होगा वो बहुत ज़्यादा पीवेश होगा, इरिटेबल होगा, ओवर सेंसिटिव टू पेन, ड्रिवन टू डिस्पेयर, स्नैपिश, कैन नॉट रिटर्न अ सिविल आंसर। मतलब जब भी उससे कोई सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो उसका उल्टा जवाब देगा। अगर उससे पूछा गया है कि बेटा क्या कर रहे हो, तो वो चिड़चिड़ा जाएगा कि आपको क्या मतलब है, मैं क्यों बताऊँ आपको, ऐसे उल्टा सीधा जवाब देगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा। कोई भी पेन होगा उसके लिए वो ओवर सेंसिटिव होगा, मतलब तैयार रहेगा उल्टे जवाब देने के लिए। पीविश मतलब भी यही होता है, चिड़चिड़ा होगा वो बच्चा, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा। स्नैपिश मतलब भी चिड़चिड़ा और इरिटेबल होगा। सेकेंड पॉइंट आता है क्वाइट ओनली वेन कैरीड, मतलब जब उसे गोदी में लेंगे वो तभी चुप होगा। इसका ऑपोजिट सिम्टम हमने कहाँ पढ़ा था, सेना में पढ़ा था, जो कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अच्छे से, कि उसमें बच्चा चाहेगा कि उसे गोद पे ले लें, लेकिन उसके बाद भी वो उसको कोई आराम नहीं मिलता है। लेकिन कैमोमिला में जो है, अगर हम बच्चे को गोद में लेते हैं तो उसे आराम मिलता है, वो चुप हो जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होगा, उसमें सब्र बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी चाहेगा कि ये मिल जाए, कभी चाहेगा वो मिल जाए। और जब उसे मना कर दिया जाएगा कि अभी कोई बच्चा मांगता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो पेरेंट्स जो है गुस्से में आके बोल देते हैं कि चलो रहने दो, हम कुछ नहीं दिला रहे। लेकिन उसके बाद अगर उसे मना कर दिया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, और फिर उससे कहा जाएगा चलो अब ले लो, कोई बात नहीं, और ले लो, तो अब वो मना कर देगा। मतलब खुद कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, उसे चाहिए सब कुछ लेकिन जब दिया जा रहा है तो उसे मना कर रहा है, और अब जब वो पेरेंट्स मना कर रहे हैं उसे तो वो खुद एंग्री हो जा रहा है। उसे मतलब बिल्कुल भी होप नहीं है लाइफ जीने की, टू अगली टू लिव। पिचियस मोर्निंग ऑफ चाइल्ड बिकॉज ही कैन नॉट हैव व्हाट ही वांट्स, उसे मतलब इस तरीके से रोता है वो चाइल्ड, उस पर दया आती है क्योंकि ही कैन नॉट हैव व्हाट ही वांट्स, क्योंकि उसे जो चाहिए वो उसे मिल नहीं रहा है। तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करता है उसे, मतलब रोते रोते चुप, इतना रोता है, इतना रोता है कि वो थक जाता है रोते रोते, कहता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और फिर नहीं मिलता है तो फिर उसकी वजह से वो रोता है, और चुप कराना चाहो तो चुप भी नहीं होगा, तो फिर रोते रोते इतना थक जाता है कि तब जाके चुप होता है, लेकिन रोता रहेगा। कैन नॉट वॉन्ट एनी वन नियर हिम, ना वो ये होगा चाइल्ड, ऐसा चाइल्ड होगा कि वो नहीं चाहेगा कि कोई भी मेरे पास आए, और ना ही वो चाहेगा कि वो किसी से बात करे, और ना ही वो ये चाहेगा कोई उससे बोले, ना वो किससे बोले, किसी से बोले ना कोई उससे बोले।
और जो भी आंसर्स देगा वो पीवियसली देगा, मतलब चिड़चिड़ेपन में देगा, सीधे जवाब नहीं देगा कभी भी। कंप्लेंट फ्रॉम एंगर, गुस्से से जो भी कंप्लेंट्स आएंगी उसमें ये कैमोमिला जो है अच्छा काम करती है, स्पेशली चिल्ड्रन फीवर में। जब बच्चे को ठंड लगी हो या फीवर आया हो उसकी वजह से उसे गुस्सा आ रहा है, उससे जो कंप्लेंट्स आ रही है, तो उसमें कैमोमिला जो है अच्छा वर्क करती है। अब बात करते हैं फिजिकल जनरल्स की। तो इसमें जो पेन कैसा होगा, पेन इस तरीके का होगा, सीम्स अन एंड्यूरेबल, मतलब इस तरीके का पेन होगा कि वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगा, सहन ना करने वाला दर्द। नॉट एबल टू बी टॉलरेटेड, अन एंड्यूरेबल का मतलब होता है नॉट एबल टू बी टॉलरेटेड, ऐसा पेन जो कि वो टॉलरेट ना कर पाए, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही अब बिल्कुल भी किसी काम में ध्यान नहीं दे पा रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा क्योंकि पेन ही इतना ज़्यादा हो रहा है। और एग्रावेशन उसका किस किस चीज़ों से होगा, हीट से एग्रावेशन होता है उसका, इवनिंग में होता है बिफोर मिडनाइट, मतलब मिडनाइट से पहले वाला जो टाइम होता है, इवनिंग से लेकर मिडनाइट वाला, उस टाइम पीरियड में इसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। और थर्स्ट और फेंटिंग की कंडीशन आएगी विद नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट एंड इरेक्टेशन, मतलब जो भी जिस पार्ट में उसके पेन हो रहा था उस पार्ट में नमनेस देखने को मिलेगी, वो पार्ट जो है सुन पड़ जाएगा, नमनेस देखने को मिलेगी और इरेक्टेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। इरेक्टेशंस मतलब होता है जैसे कि बेल्चिंग वगैरह या फिर कुछ भी बम्पिंग या बेल्चिंग वाली कंडीशन हो सकती है। ओपन एयर से जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होगा, ग्रेट अवर्जन टू विंड, उसकी विंड से जो है दिक्कतें बढ़ेंगी, स्पेशली अबाउट ईयर्स, जब उसकी कानों में हवा लगती है, विंड आती है, तो उसको दिक्कतें बढ़ती हैं। स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, मतलब वो उसको स्लीपी फील तो होगा लेकिन वो सो नहीं पाएगा, उसे लग रहा होगा कि मुझे नींद आ रही है पर वो सो नहीं पाएगा। अब हम देखते हैं फेस में क्या सिम्टम्स आएंगे। तो वन चीक रेड एंड हॉट एंड द अदर इज पेल एंड कोल्ड, एक चीक होगा वो रेड देखने को मिलेगा और एक दूसरा वाला होगा वो पेल होगा। जो रेड वाला होगा वो हॉट भी होगा साथ में और पेल वाला कोल्ड होगा, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सीना में, उसमें वन चीक रेड था एंड अदर इज पेल, लेकिन जो है टेम्परेचर का कोई वेरिएशन नहीं था उसमें हॉट एंड कोल्ड का, उसमें सिर्फ रेड एंड पेल था, लेकिन इसमें साथ में रेड वाला हॉट भी होगा और पेल वाला कोल्ड भी होगा। ये एक डिफरेंस आप देख सकते हैं सीना एंड कैमोमिला में। अब बात करते हैं माउथ की। तो टूथ एक होगा क्योंकि ये डेंटिशन के पीरियड की बात हो रही है, तो टूथ एक देखने को मिलेगा। कोई भी वॉर्म चीज़ अगर उन्होंने माउथ में ली है पेशेंट ने, चिल्ड्रन ने, तो उसकी वजह से टूथ एक हो रहा होगा। अगर वो वॉर्म रूम में भी एंटर करते हैं उसकी वजह से भी दिक्कत होगी, बेड टाइम पर उनको दिक्कत होती है, कॉफ़ी लेने से दिक्कत होती है क्योंकि कॉफ़ी हॉट होती है और वॉर्म से इसमें बोला गया है वॉर्म टेकन इनटू माउथ, इस वजह से मेंसिस के टाइम पर और प्रेगनेंसी के टाइम पर भी टूथ एक अगर हो रहा है तो कैमोमिला इज़ द बेस्ट मेडिसिन। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, GI सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। तो इसमें दोनों कंडीशंस देख लेते हैं। जब डायरिया होता है तब क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और स्टूल, तो डायरिया में ये देखने को मिलेगा फ्रॉम कोल्ड, जो डायरिया होगा कोल्ड चीज़ें लेने से हो रहा होगा। एंगर और चैग्रेन, जब गुस्सा होगा तो उसे डायरिया देखने को मिलेगा, गुस्सा होगा या फिर किसी भी बात की वजह से वो ह्यूमिलिएट हुआ हो, किसी ने उसे नीचा दिखाया हो, ह्यूमिलिएट किया गया हो, उस वजह से उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। ड्यूरिंग डेंटिशन, डेंटिशन के टाइम पे तो ये है ही मेडिसिन, तो डेंटिशन के टाइम पे तो दिक्कतें आ ही रही हैं, डायरिया भी डेंटिशन के टाइम पर ही हो रहा है। टोबैको लेने के बाद अगर डायरिया की कंडीशन आती है तो, एंड फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन, अगर नीचे झुकने के बाद उसे दिक्कतें आ रही हैं तो। स्टूल जो होगा वो ग्रीन होगा, कैरेक्टर ऑफ स्टूल देख रहे हैं पहले हम यहाँ पर। स्टूल जो होगा वो ग्रीन होगा, वॉटरी होगा, डायरिया में तो वॉटरी स्टूल्स होते ही हैं। कोरोडिंग मतलब थिक होंगे, कोरोड लाइक लाइक चॉप्ड एग्स एंड स्पिनेज, मतलब स्टूल में जो है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि चॉप्ड एग्स और स्पिनेज के पीसेस होंगे। हॉट होगा, वेरी ऑफेंसिव होगा, स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, प्यूट्रिड स्मेल देखने को मिलेगी लाइक रॉटन एग्स। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जो फीमेल में जब लेबर पेन्स होते हैं डिलीवरी के टाइम पर, तो वो स्पैस्मोडिक होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है, डिस्ट्रेसिंग होंगे, जिसकी वजह से वो कहीं और ध्यान नहीं लगा पाएंगी, वॉन्ट्स टू गेट अवे फ्रॉम देम, वो चाहेंगी कि वो यहाँ से चली जाएँ, जिसकी वजह से उन्हें वो पेन ना सहना पड़े। टीयरिंग डाउन द लेग्स, तो मतलब ऐसा पेन हो रहा होगा जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, डिस्ट्रेस होगी, तो वो अपने लेग्स को नीचे रखेगी, कभी ऐसा लगेगा कि मतलब किसी ने
उसके पैर निचोड़ दिए, टूट गए, ऐसा सेंसेशन उसे होगा। तो वो कभी ऊपर की तरफ अपने पैर को प्रेस करेगी, कभी नीचे की तरफ, कभी टेयरिंग डाउन द लेग्स एंड कभी प्रेस अपवर्ड्स। तो बहुत ज़्यादा स्पैस्मोडिक, बहुत ज़्यादा लेवल पे कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा। निपल्स जो होंगी वो इन्फ्लेम्ड देखने को मिलेंगी, मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा होगा उधर निपल्स पे। टच करने में उधर बहुत ज़्यादा टेंडरनेस देखने को मिलेगी, पेन हो रहा होगा। इन इवन इन्फेंट्स में के जो ब्रेस्ट होते हैं वो भी टच करने पे बहुत ज़्यादा टेंडर होंगे, रेडनेस देखने को मिलेगी इन्फेंट्स के ब्रेस्ट पे भी। मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इन्फेंट के ब्रेस्ट निपल्स जो हैं इन्फ्लेम्ड है, टच करने में पूरा रेडनेस देखने को मिल रहा है। इसको ही बोलते हैं, यही सिम्टम हमको देखने को मिलेगा इन्फेंट में। तो नेक्स्ट सिम्टम है मिल्क रन्स आउट इन नर्सिंग वुमेन्स, मतलब जो नर्सिंग वुमेन्स होंगी जिनकी डिलीवरी हाल ही में हुई होगी उनमें मिल्क जो है रन आउट होता रहेगा, मतलब स्टॉप नहीं होगा, इनवॉलेंट्री कह सकते हैं। ना एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं तो एक्सट्रीमिटीज़ में जो है वॉयलेंट रोमैटिक पेन देखने को मिलेगा, ड्राइव हिम आउट ऑफ बेड एट नाइट, मतलब इतना भयंकर रोमैटिक पेन होगा जिसकी वजह से उन्हें रात में बेड से उठना ही पड़ेगा, बिना उठे उनका पेन ठीक होगा ही नहीं, उन्हें कोई बिल्कुल भी एमिलरेशन नहीं होगा। बर्निंग ऑफ सोल्स एट नाइट, नाइट में जो है उनके सोल्स में बर्निंग सेंसेशन होगी, इतना बर्निंग सेंसेशन होगी कि जिसकी वजह से उनको अपने पैर को, फीट को बेड से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा कोल्ड फील हो क्योंकि इतनी बर्निंग सेंसेशन हो रही है। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो चिल्ड्रन में जो है कन्वर्जन्स देखने को मिलेंगे फ्रॉम नर्सिंग, मतलब आफ्टर लैक्टेशन के टाइम पर चिल्ड्रन्स में कन्वर्जन देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो एंगर और फीट आ रहे होंगे मदर में, तो वो मदर में अगर फीट्स आ रहे हैं एंगर के, तो फिर वो मिल्क अगर ले रहे हैं चिल्ड्रन्स, तो उसकी वजह से उनमें कन्वर्जन्स आ रहे हैं, मतलब वही कोरिलेट है। अब बात करते हैं मोडालिटीज़ की, मतलब मोडालिटीज़ में आता है एग्रवेशन एंड एमिलोरेशन। एग्रवेशन मतलब कब उनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं और कब उन्हें आराम मिल रहा है। तो उनकी दिक्कतें बढ़ती हैं हीट से, एंगर से, इवनिंग बिफोर मिडनाइट, जो कि आगे मैंने बताया, मतलब हमने जो पूरा अभी तक पूरी पिक्चर पढ़ी है, ड्रग पिक्चर पढ़ी है कैमोमिला की, तो उससे जो जो एग्रवेशन हो रहे हैं हम लास्ट में आके मोडालिटीज़ में लिख देते हैं। ओपन एयर से उसे एग्रवेशन हो रहा है, उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं, विंड से बढ़ती हैं, कहाँ बढ़ती हैं, स्पेशली अबाउट द ईयर्स, इरेक्टेशन से बढ़ती हैं, इरेक्टेशन मतलब बेल्चिंग या फिर बम्पिंग वाली कंडीशन। ना उसे आराम मिलता है फ्रॉम बींग कैरिड, जब उसे कोई गोद में उठाता है चाइल्ड को तो उसे आराम मिलता है, फास्टिंग से उसे आराम मिलता है, वॉर्म से आराम मिलता है और वेट वेदर से आराम मिलता है। तो मोडालिटीज़ में इतना ही था, बाकी ड्रग पिक्चर में पूरा इतना ही था। मैं बस आपको एक कैरेक्टर दिखाना चाहूँगी जिससे आपको एक कैरेक्टर सिम्टम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं जो ये बेबी है इस तरीके से रो रहा है कि इस पर दया आ रही है, क्योंकि इसे वो चीज़ उसको चाहिए वो इसको मिल नहीं रही है, तो वो इस तरीके से रोएगा कि इंसान को देख कर उसको उस पर दया आए और उसे वो चीज़ दे दे। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।